दो अंग्रेजन भाभी लाई इकलौती काली ननद के लिए रिश्ता। सुप्रिया बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि फिलहाल ही कुछ लोग उसको देखने के लिए आए होते हैं जो उसके काले रंग की वजह से रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं। सुप्रिया का रंग इतना काला था कि कोई भी उसे पसंद करना ही नहीं चाहता था, जिसके चलते उसने अब बाहर आना जाना बंद ही कर दिया था। इस बात से उसकी माँ और उसके पिता बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया के माता पिता इतने गरीब थे कि वह दहेज देकर भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते थे। अरे महाराज जी, आपका तो हर बार का ही ऐसा हो रहा है, ऐसा और कब तक चलता रहेगा? देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर अब की बार मुझे बुलाओ तो अपने पास दहेज का इंतजाम करके रखना, क्योंकि फिर से वही हुआ। आपने दहेज का कोई इंतजाम करके रखा नहीं और रिश्ता टूट गया। पहले तो आप अपनी बेटी की तरफ देखो, वो इतनी काली है कि उससे कोई शादी करना ही नहीं चाहता। बस करो भाई साहब, और कितना बोलोगे? आप एक पंडित हो, अगर आपके पास रिश्ता है तो बताओ, वरना आपको हमारी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दामोदर के इस तरह बोलने पर पंडित अचानक से चुप हो जाता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं ये सब सुप्रिया सुन लेती है और अपने माता पिता से आकर कहती है, बस करो माँ पिताजी, अब मेरे लिए आपको और रिश्ते ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी, मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ, बस मुझे आप दोनों का साथ चाहिए। सुप्रिया ऐसा कहकर अपने माता पिता के हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ते ही उसकी माँ सुष्मिता को उसके गर्म हाथ महसूस होते हैं। वह तुरंत सुप्रिया के माथे पर हाथ लगाकर देखती है। अरे ये क्या बेटी, तेरी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, चल तू जाकर थोड़ा आराम कर ले, और तुझे तेरी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इस दुनिया में सबके जोड़े बनकर आते हैं, तेरा भी कोई ना कोई बना ही होगा, और देखना तेरी शादी बहुत अच्छे से और धूमधाम से होगी, ये मेरा तुझसे वादा है। सुष्मिता अपनी बेटी को हौसला तो देती है, लेकिन ऐसा हौसला सुप्रिया को पहले भी कई बार मिल चुका था। इसी के चलते सुप्रिया की तबीयत दिन प्रतिदिन अब खराब होने लगती है और वह अपने दोनों बड़े भाई को याद करने लगती है। माँ, मुझे मेरे भाइयों की बहुत याद आ रही है, आप उन दोनों को बुला लीजिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो उन्हें देखे बिना मैं शांति से कैसे जी पाऊंगी। सुष्मिता को बहुत बुरा लगता है, उसकी बेटी की ऐसी बातें सुनकर सुष्मिता से जरा भी रहा नहीं जाता और वह फौरन अपने दोनों बेटों को कॉल लगाती है। अरे शर्म करो शर्म, तुम दोनों ने अपने माता पिता के साथ अपनी बहन को भी यहाँ गांव में छोड़ दिया है। अरे कम से कम उसकी तो परवाह करते, वो रात दिन तुम्हें याद करती है और तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं। बेचारी इतनी बीमार है कि बीमारी में भी अपने दोनों भाइयों को याद कर रही है, अब क्या उसकी अर्थी पर इस घर में आओगे? ये क्या कह रही हो माँ, क्या सच में सुप्रिया की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है? आप चिंता मत करो माँ, हम कल गाँव आ रहे हैं। अनुराग ऐसा बोलकर फोन रख देता है। वह दोनों भाई शहर में कमाने के लिए गए थे और वहां जाने के बाद उन्होंने दो अंग्रेजन लड़कियों से शादी कर ली थी, जिसका पता उनके घर पर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अपनी बहन की खबर सुनते ही वह दोनों भाई अपनी अंग्रेजन पत्नियों के साथ गांव आ जाते हैं। गांव आने के बाद जैसे ही सुष्मिता दरवाजे पर अपने बेटों के साथ अपनी दो अंग्रेजन बहू को देखती है, वह हैरान रह जाती है। वाह बेटा वाह, इसकी तो मैंने तुमसे कभी उम्मीद भी नहीं की थी, अरे तुमने तो बिना बताए शादी भी कर ली, और यहाँ तुम्हारी बहन कुमारी होने की टेंशन में बीमार पड़ी है। तभी सुष्मिता की दोनों अंग्रेजन बहू अपने अंग्रेजी अंदाज में हिंदी भाषा का उपयोग करते हुए कहती हैं, नमस्ते माँ जी। प्रणाम माँ जी। अरे बाप रे बाप, ये कैसा चमत्कार है, ये दोनों अंग्रेजन शक्ल से तो अंग्रेजन है लेकिन देखो तो सही हिंदी कितनी शुद्ध तरीके से बोल रही है, वो बात अलग है कि इनके बोलने में भी अंग्रेजों वाला स्टाइल है। अपनी माँ की बात सुनकर विक्रम और अनुराग दोनों ही हंस पड़ते हैं, जिसके बाद वह दोनों अपनी पत्नियों के साथ घर के अंदर आते हैं और सबसे पहले अपनी बहन से मिलने जाते हैं। अरे पगली, ये क्या तूने शादी के चलते अपनी तबीयत ही खराब कर ली, देख अब तेरे दोनों भाई आ गए हैं, बहुत जल्दी तेरी शादी हो जाएगी, और तू देखना मैं तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुझे हमेशा खुश रखेगा। अपने दोनों भाइयों को देखकर सुप्रिया बहुत खुश होती है, वहीं दो अंग्रेजन और सुंदर गोरी भाभियों को देखकर सुप्रिया सोचती है, अरे ये क्या, इतनी सुंदर और गोरी भाभियां,
मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे भाइयों की शादी इतनी सुंदर और गोरी लड़कियों से होगी। ये तो सच में बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मेरे काले रंग की वजह से मेरी भाभी मुझे ना पसंद करें। सुप्रिया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी दोनों भाभियां उसके पास आकर बैठ जाती हैं और उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगती हैं। नंद जी, तुम इतनी समझदार और इतनी प्यारी हो, पता नहीं कैसे लोग तुमको नापसंद करके चले गए। अरे तुमको तो कोई भी पसंद कर लेगा। अरे तुम चिंता मत करो, अब हम दोनों आ गए हैं ना, अब हम तुम्हारी इतनी अच्छे से सेवा करेंगे कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डेजी और अलीना बहुत अच्छी थी, उनका स्वभाव घर के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आता है। वहीं डेजी और अलीना इंडियन कामों में भी बहुत परफेक्ट थी। वह अपनी नंद का बुखार उतारने के लिए उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी भी रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक भाभी उसके लिए उसकी पसंद का खाना भी बनाती है, जिसकी वजह से सुप्रिया बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आप दोनों जब से इस घर में आई हो तब से आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, वरना तो शादी की चिंता में मैं बिल्कुल ही कमजोर हो गई थी, और अब देखो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई हूँ। सुप्रिया की बातें सुनकर वह दोनों मुस्कुराती हैं। तभी फौरन से उनका भाई उनसे मिलने उनके घर आता है। Hello, how are you, sister? I miss you a lot. अपने भाई जैक को देखकर दोनों अंग्रेजन भाभी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे जैक, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और देखो योहानिस ब्रदर, मैंने तुम्हारे लिए हिंदी भी सीख ली। हाँ बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं हिंदी बोलते हुए? अरे भाई, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो हिंदी बोलते हुए। तभी जैक की नजर सुप्रिया के ऊपर पड़ती है और वह अपना हाथ आगे करके सुप्रिया को हेलो बोलता है। How beautiful are you? You are very pretty. Thank you जी, पहली बार किसी लड़के ने मेरी तारीफ की है, इससे पहले तो सब मुझे काली कलूटी कहकर ही बुलाते रह गए। किसने कहा? और जिसने ऐसा कहा इस दुनिया का महामूर्ख इंसान है वो। तुम बहुत सुंदर हो सुप्रिया। तुम्हें पता है फॉरेन में हमारे ब्रदर जैक की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी वजह से काफी कंपनियों को बहुत प्रॉफिट होता है और हमारा भाई दिल का बहुत अच्छा है। मैं और अलीना ने इसे तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे जैक को भी शादी करनी है और जब उसने तुम्हारी फोटो देखी तो उसे तुम बहुत पसंद आई। सुप्रिया ये सुनकर बहुत खुश होती है। जैक जी तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं भाभी, मुझे भी ये बहुत पसंद आए। अरे ये तो वही हो गया नाले पर डाला, क्यों ना अब हम तुम्हारे दोनों भाई और माँ बाबूजी से तुम्हारे और जैक के रिश्ते की बात कर लें। सुप्रिया शर्मा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद दोनों भाभी मिलकर अपने भाई का रिश्ता अपनी सास के पास लेकर आती हैं और अपनी ननद का रिश्ता पक्का कर देती हैं। पूरा परिवार बहुत खुश होता है और सभी लोग जैक और सुप्रिया की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं। सुप्रिया अब खुशी खुशी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और इसी के चलते सुष्मिता और दामोदर को दहेज भी देना नहीं पड़ता और वह दोनों अपनी बेटी के लिए बहुत खुश होते हैं। सुबह से इतना टाइम हो गया और तूने अभी तक घर की साफ सफाई भी नहीं की। अरे और कब तक इस तरह से घर के छोटे मोटे कामों में देरी लगाती रहोगी? माँ, सुबह से तो मैं काम कर ही रही हूँ और अब तो आप मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई हो, इस तरह मैं घर के सारे काम कैसे करूंगी? अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर मायावती उसका बाल पकड़ लेती है और कहती है, क्या बात है, बहुत ज्यादा जबान निकल रही है तेरी और बहुत ज्यादा जवाब भी देने लगी है तू आजकल। आइंदा अगर ऐसा जवाब दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मायावती ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी अमोलिका को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए अपने आप से कहती है, मेरी माँ होने के बाद भी मेरी माँ जैसी नहीं है, हमेशा ही मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करती है। आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, क्यों वो मेरी बात को समझती नहीं है? बेचारी अमोलिका रंग में काली थी, जिसकी वजह से मायावती उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसे सुना दिया करती थी और घर के सारे काम भी वह उसी से करवाया करती थी। धूप में आंगन में बैठकर कपड़े भी बेचारी अमोलिका धोया करती थी। ये ले, अभी तक तुझसे इतने से कपड़े नहीं धोए गए, तुझे पता है ना कल तेरे पांचों भाई अपनी पत्नियों के साथ यहाँ पर आ रहे, उनके आने से पहले घर के सारे कपड़े और पर्दे धुल जाने चाहिए, कल तक पूरा घर चकाचौंध चमकना चाहिए।
ठीक है माँ, मैं सारा काम कर लूंगी। मायावती वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमोलिका अपने मन में अपने आप से कहती है, विदेश से मेरी 5 गोरी भाभी आ रही है। वो तो बहुत ज्यादा सुंदर होंगी, क्योंकि अंग्रेजन जो हैं, क्या पता उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद ना आऊं। जैसे मेरी माँ को मैं बचपन से ही पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काली हूँ। अगर उन्होंने भी मुझसे नफरत की तो मैं क्या करूंगी। अमोलिका अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रही होती है, और वो इसी के बारे में सोचते सोचते घर के सारे काम कर लेती है। अगले दिन सुबह ही फ्लाइट से मायावती के 5 बेटे अपनी अंग्रेजन पत्नियों के साथ इंडिया आ जाते हैं और अपने घर पहुँच कर अपनी माँ को गले से लगा लेते हैं। माँ, मैं आपको कितना मिस कर रहा था, आपको पता है, बहुत याद आ रही थी मुझे आपकी। वाह जी वाह, देखो तो सही, हम सबका आने का सारा क्रेडिट तो राजीव ने ही ले लिया, हम लोगों ने तो जैसे माँ को याद ही किया नहीं। तुम दोनों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो माँ को थोड़ी देर रिलैक्स छोड़ दो। नहीं बेटा, तुम 5 के चांद जैसे चेहरे देखने के लिए तो मैं कब से तरस रही थी, वरना तो रोजाना यहाँ पर अंधेरी रात ही छाई रहती है। मायावती ये ताना अपनी बेटी अमोलिका को दे रही होती है, जो कि अमोलिका समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मायावती की 5 बहू उसके पैर छूकर अपने अंग्रेजी अंदाज में कहती हैं, प्रणाम माजी, प्रणाम माजी, नमस्ते माजी, नमस्ते माजी, प्रणाम माजी। अरे आओ आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कितनी सुंदर हो तुम 5 बहू, बहुत प्यारी लग रही हो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। मायावती के कहने पर उसकी 5 बहू अपने कमरे में चली जाती हैं और कुछ देर आराम करती हैं। कुछ देर बाद वो जैसे ही अपने कमरे से निकलकर खाने की टेबल पर आकर बैठती हैं, वहां पर उनकी नंद अमोलिका खाने की टेबल पर खाना लगा रही होती है। आ जाओ भाभी बैठो, अमोलिका इतना कहती है कि तभी वहां मायावती आ जाती है और अपनी बेटी को देखकर कहती है, तुझे कितनी बार कहा है ना, मेरे सामने मत आया कर, तेरी काली शक्ल देखते ही मेरा खाना खाने का मन भी मर जाता है। अब जब तूने यहाँ खाना रख ही दिया है तो जा, चली जा यहाँ से और बाकी के काम कर ले, ताकि हम लोग तसल्ली से खाना खा सकें। मायावती के कहने पर अमोलिक की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से रसोई की साफ सफाई करने के लिए चली जाती है। सभी के खाना खाने के बाद अमोलिक कपड़ा लेकर पूरी टेबल को अच्छे से साफ करने लगती है, तभी वहां उसकी 5 भाभी उससे कहती हैं, ओ अमोलिका, तुम यहाँ अकेली खाने की टेबल को साफ कर रही हो, रुको मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। ओहो तुम भी ना, अब हम तुम्हारी भाभी हैं तो तुम्हें आराम करना चाहिए, हम 5 मिलकर सारे काम कर लेंगे। देखो हमें करने दो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अमोलिका जब अपनी अंग्रेजन भाभी का ऐसा बर्ताव देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख उसकी भाभी उससे कहती हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, आप 5 तो इतनी अच्छी हो कि मैं बता भी नहीं सकती, पहली बार कोई मेरे बारे में सोच रहा है, ये देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ अमोलिका, अब तुम अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारी 5 भाभियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और वैसे भी अब हम 5 यहीं पर तो रहेंगे। अमोलिका अपनी भाभियों का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि शुरू से अभी तक ना तो उसके भाइयों ने उसको कभी सही से प्यार किया था और ना ही उसकी माँ मायावती ने। वहीं अब रोजाना 5 अंग्रेजन बहू अपनी नंद की बहुत मदद करती हैं और उसके साथ मिलकर सारे घर के काम करवाती हैं। एक दिन मायावती की 5 अंग्रेजन बहू घर के आंगन में काम कर रही होती है, कोई कपड़े धो रही होती है तो कोई आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो वहीं कोई चूल्हे पर रोटी बना रही थी। ये सब देखकर मायावती अपनी 5 बहू से कहती है, हे भगवान, लगता है तुमने वो गाना नहीं सुना, धूप में निकला न कर रूप की रानी, काला रंग गोरा न पड़ जाए। माँ जी तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने तो ऐसा कोई गाना नहीं सुना। अच्छा ठीक है, ये छोड़ो, वैसे भी तुम अंग्रेजन हो, हमारे हिंदुस्तान के गानों के बारे में तुम्हें क्या ही पता होगा। मैं ये कह रही थी कि तुम 5 को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, अरे इतनी धूप में तुम्हारा रंग मेरी बेटी की तरह काला ना पड़ जाए, चलो अब यहाँ से अंदर चलो। नहीं माँ जी, हम अपनी ननद की मदद करवा रही है, वो बेचारी अकेले ही घर के सारे काम करती है, हम उनकी भाभी है, कम से कम कोई ना कोई काम तो हम भी कर सकते हैं। अपनी बहुओं से ऐसा जवाब सुनकर मायावती को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से से वहां से चली जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वह पांचों मिलकर अपनी नंद अमोलिका को स्कूल में डाल देती है। माँ जी, मुझको आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल बात यह है कि हम पांचों ने सोचा है कि हमारी नंद आगे की पढ़ाई करे। तुम पांचों का दिमाग खराब हो गया है। अगर मेरी बेटी बाहर निकलेगी तो लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी कितनी काली है, मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं इसे बाहर नहीं निकलने दे सकती। माँ जी, हमारी नंद पढ़ कर रहेगी, उसका बहुत मन होता है पढ़ाई का, और आप उसके रंग रूप की वजह से उसकी पढ़ाई को छुड़वा नहीं सकती। वो पांचों मिलकर मायावती को घेर लेती हैं और उससे अपनी नंद की पढ़ाई के लिए बात करवा ही लेती हैं। अगले दिन से अमोलिका स्कूल जाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी पांचों अंग्रेजन बहू घर संभाल लेती हैं, लेकिन मायावती के अंदर से अपनी काली बेटी के लिए नफरत अभी भी कम नहीं होती। एक दिन अचानक से मायावती का एक्सीडेंट हो जाता है और उस समय अमोलिका स्कूल से वापस घर आ रही होती है। वो फौरन अपनी माँ को ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, जहाँ सही समय पर पहुंचने की वजह से डॉक्टर मायावती को बचा लेते हैं। जब इस बात का पता मायावती को चलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दे बेटी मुझे, तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कुछ होने के बाद भी तूने मेरी जान बचाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये किस चीज की माफी मांग रही हो मुझसे? अरे आप मेरी माँ हो, आपको बचाना तो मेरा फर्ज है। अमोलिका की पांच भाभी तो अच्छी थी ही, लेकिन इस घटना के दौरान मायावती भी अब अपनी काली बेटी को बहुत पसंद करने लगती है और अपनी बेटी के बड़े होने के बाद उसकी शादी एक अमीर घराने में कर देती है, जिसके बाद अमोलिका अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है।